ये देखिए तोरा पीठा, ये आसाम का एक एकदम ट्रेडिशनल पसंद करने वाला डिश है पीठा। इसको देखिए। नमस्कार फ्रेंड, मैंने पहले बताया आपको तोरा पीठा, तो तोरा पीठा का मतलब है इस पत्ते पे बनता है ये पीठा। इसी पत्ते को तोरा तोरा पात बोला जाता है। इस पत्ते को, इसमें बहुत अच्छा खुशबू होता है, थोड़ा जिंजर टाइप का खुशबू है इसमें, मीठा मीठा। जिंजर में जैसे खुशबू होता है ना, उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा था। इन पत्तों में खुशबू है। इस पत्ते में लपेट के बनाया जाता है इस पिठा को। कुछ पत्ता मैंने निकाल लिया है और थोड़ा रख दिया है। इसको अच्छा से रख दूंगी बांध के, बाद में यूज़ करूंगी। इससे बहुत चीज़ बनता है, सिर्फ पिठा बनता ऐसा नहीं है। इसमें लपेट के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए बनाते हैं तोड़ा पिठा। मैंने कुछ पत्ता ले लिया है। अभी अभी हम लोग को चाहिए नारियल का बुरादा, जो मैंने गुड़ के साथ गुड़ डाल के इसको मिक्स करके देखिए इसे भून लिया है। तो सबको आता होगा, हर कोई बनाता है इस टाइप से। हो गया थोड़ा सूखा सूखा टाइप। अब ये चावल का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा घी। चावल का आटा ये मैंने सुखा के रखा था, धूप में के सुखा के रखा था। थोड़ा सा नमक, उसको दूध के साथ गूंदेंगे। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हम लोग उसमें उसको सिर्फ दूध के साथ इसको डो तैयार करना पड़ेगा। मैंने इतना दूध लिया है। अभी ये सूखा आटा है तो इसमें ज़्यादा जाएगा दूध। अगर ये साथ साथ आप चावल कूट के साथ साथ इसका यूज़ करेंगे ना, तो ज़्यादा दूध नहीं चाहिए, थोड़ा सा डालिए तो ये बन जाएगा डो। मैं चावल का आटा बना के हमेशा रखती हूँ सुखा, धूप में सुखा के एक डब्बे में भर के रखती हूँ। जब भी ज़रूरत होता है यूज़ करती हूँ। किचन में यूज होता ही है चावल का आटा। अब ये दो तैयार होने के बाद में इसको ढक के 20 मिनट जैसे छोड़ दीजिए, तब ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। नरम आता हम लोग को घूमना है, हार्ड नहीं होना चाहिए ये। अभी हो गया सर, होने के बाद इसको रेस्ट करने दीजिए ढक के। तो चलिए अभी दूसरी तैयारी करते हैं। हो गया, रेस्ट करने देते हैं इसको। ये है तोड़ा पत्ता, तोड़ा पात जिसका डंठल निकाल लिया है मैंने। कुछ फटा हुआ पत्ता लिया है जो अच्छा नहीं था, उसको उसका जो बीच का हिस्सा है उसको निकाल के इससे बांधना पड़ेगा। बांधने के लिए जैसे हम लोग केले का पत्ता का निकालते हैं ना, उसी तरह से इससे निकाल के इसको बांधने के लिए रस्सी का जैसा बनाना पड़ेगा। इसको देखिए ऐसे इससे बांधते हैं। ये पत्तों को मैंने धो लिया अच्छे से। चलिए अभी बनाते हैं इसको। देखिए दो कितना अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया एकदम से। थोड़ा सा हाथ में लेके इसको ऐसे कर लीजिए, चपटा बना के उसका बीच में ऐसे नारियल का जो बुरादा था गुड़ का साथ वो डाल दीजिए। पत्ता में इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे लपेट के इसको बांधना पड़ेगा फिर रस्सी से। ये जो पत्ता में जो खुशबू है ना, तब ये खुशबू जाके उसमें मिल जाएगा। ये तो उसे वही है इस पिठा का मतलब, वो जो महत्व है ना वो इसी खुशबू में ही है, तोड़ा पिठा। ये पिठा जो खुशबू के लिए ही जाना जाता है। इस पत्ता का जो बीच का हिस्सा डंठल है उसका भी मैंने रेसिपी दिया था, उसको भी बहुत ही अच्छा बनता है। उसका भी एक बनाते समय पूरा घर जो उस मतलब उसका
सुगंध से फैल जाता है, फूल टाइप कुछ अजीब सा खुशबू आता है, इतना अच्छा लगता है। उसका भी मैंने रेसिपी दिया है, दो रेसिपी दिया है इसका, उसको भी देख लीजिए आप लोग। मैंने इसको कैसे बांधा है देख लीजिए। केले के पत्ते में भी आप इसको बना सकते हैं, तो उसमें भी केले का जो केले में भी एक खुशबू, केले के पत्ते में भी एक खुशबू होता है, वो आ जाएगा। अब इसको गर्म पानी मैंने उबाल के रखा है, उसमें डाल देना है। ढक दीजिए 10 मिनट, पूरा 10 मिनट तक इसको इसी पानी में उबलने दीजिए। देखिए तैयार हो गया हमारा 10 मिनट बाद। थोड़ा ठंडा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको खोल के देखिए। तैयार हो गया हमारा तोड़ा पिठा। इस पिठा का खास बात यह पत्ता ही है, इस खुशबू का लिए लोग इसको तोड़ा पिठा और इसको खाते हैं, पसंद करते हैं हमारे यहाँ इसको। कैसा लगा फ्रेंड आप बताना जरूर। आपके वहाँ भी मिलेगा ये, कहीं पे भी मिल जाता है, थोड़ा जंगल एरिया में मिलेगा, बहुत लोग इसको पहचानते भी नहीं होंगे शायद। अदरक का पत्ता जैसा होता है ना, अदरक जैसा होता है, सेम विषय होता है इसका। अगर ये पत्ता ना मिले तो केले के पत्ते में भी ये बना के आप खा सकते हैं। ये राइस भी स्टिकी राइस है, लेकिन देखिए बन गया। अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बना के देखिएगा एक बार घर में। फ्रेंड्स बताएगा कैसे, बताइए आप कैसा लगा ये मेरा डिश, आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये भी बताना जरूर। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।